हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिबीगंज बरेली में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का एक टॉप चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं, और फिर इनका वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल क्या होते हैं, ये अल्कोहल्स जब कोई भी एल्केन, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मेथेन का CH4, ये मेथेन है इस एल्केन से अगर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, चाहे ये वाला या फिर ये हाइड्रोजन परमाणु या ये हाइड्रोजन परमाणु या फिर ये वाला, इन चारों में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन परमाणु किसी OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाए, OH- समूह ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है। तो हाइड्रोक्सी समूह द्वारा अगर कोई भी हाइड्रोजन समूह, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है, तब बने पदार्थ को हम अल्कोहल कहते हैं। ये क्या बन गया, अल्कोहल। अब इसका नेम, क्योंकि ये किससे बना है, मेथेन से बना है, तो इसका नाम IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा मेथेनॉल, और इसका जो जनरल नेम है उसे हम बोलते हैं ये एल्किल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इनको, एल्किल अल्कोहल। अब एल्किल अल्कोहल, तो यहां पर एल्किल का ये कौन सा वाला समूह है, तो ये एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को हम बोलते हैं मेथ, तो इसमें ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो इसका जो नेम है, जनरल नेम, वो हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो अल्कोहल्स की डेफिनेशन, जब किसी एल्केन से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित होते हैं, तब बने पदार्थ को हम एल्किल अल्कोहल कहते हैं या अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से बात करते हैं अगर फिनॉल की, तो फिनॉल नाम से ही पता लग रहा है, फिन, इसमें फिनाइल ग्रुप आ रहा है, फिनाइल, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, इसके प्रत्येक कार्बन पर, मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं, हर कॉर्नर पर इसके कार्बन परमाणु होता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु अल्टरनेटिव इसमें ये बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। इन कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन अटैच रहता है तो ये बन गया बेंजीन स्ट्रक्चर। इसको हम जनरली इस तरह से भी शो करते हैं, सिंपल इसको इस तरह से बना देते हैं। तो इसी तरह से जैसे इसमें हमने एल्केन से एक हाइड्रोजन समूह को, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया था और उसके स्थान पर ये हाइड्रोक्सिल समूह लगा दिया था, तब वो बन जा रहे थे अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम इस बेंजीन रिंग से किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को अगर विस्थापित कर देते हैं और उसके स्थान पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH- ग्रुप अटैच कर दें, तब ये जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं फिनॉल। इसी से अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करें हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, तो मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन है, ये विस्थापित हो गया है,
तब ये बनेगा इस तरह से। और यहां पर OH, जहां हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन परमाणु था, वहां आ गया हाइड्रोक्सिल समूह। तब ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसे हम बोलते हैं फिनॉल। बात करते हैं अब ईथर। ईथर क्या होते हैं? जब एल्केन की क्रिया, यहां पर हमने देखा अभी तक जब एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एल्कोहल हैं, लेकिन ये हैं एलिफैटिक एल्कोहल और ये एरोमेटिक एल्कोहल है। ये सारे के सारे एलिफैटिक एल्कोहल कहलाते हैं, एलिफैटिक एल्कोहल, और ये एरोमेटिक एल्कोहल होता है। जिनमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक एल्कोहल हो गया और ये एलिफैटिक एल्कोहल हो गए, यानी कि खुली श्रृंखला वाले एल्कोहल हो गए। अब बात करते हैं ईथर। तो ये ईथर में क्या होता है? कोई भी एलिफैटिक एल्केन है, ठीक है, तब उनमें से जैसे इधर देख लेते हैं, कोई भी ये मैंने स्ट्रक्चर ले लिया मीथेन का। इस मीथेन से ये हाइड्रोजन समूह अगर एल्कोक्साइड यानी कि ऐसा एल्केन समूह, कोई भी एल्केन समूह हमने ले लिया, यहां पर ये एल्केन समूह है, इसके साथ में एल्कोक्साइड का मतलब ये एल्केन तो है ही है, साथ ही साथ ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से भी अटैच है, तो यहां पर कुछ रहा होगा। तो ये क्या करें, इस पूरे हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर दें और क्या बना, इसके साथ अटैच हो जाए, तब जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ईथर। या हम ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम बोलेंगे ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर कोई भी एल्किल समूह लगे हों, तब ये जो पदार्थ होता है इसे हम ईथर कहते हैं। अब ये एल्कोहल, फिनॉल और ईथर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? इनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एल्कोहल का भी और ईथर्स का भी। कैसे, कहाँ कहाँ होता है उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्कोहल जैसे अभी कोरोना टाइम जब चल रहा था, कोरोना काल, तो उस टाइम में हैंड सैनिटाइज करने को कहा जाता था कि बाहर से जब भी आते हैं या किसी से कुछ भी सामान लेते हैं तो हाथों को हमें क्या करना है, सैनिटाइज करना है। तो जो भी ये सैनिटाइजर है उनमें मेन प्रोडक्ट होता है एल्कोहल, उसमें एल्कोहल मिक्स होता है, तो वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहल्स का। इसी तरह से नेल रिमूवर, स्प्रिट और कफ सिरप, तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में एल्कोहल्स का यूज होता है। बात करें ईथर की, तो ईथर का कहां पर यूज होता है? मेडिकल लाइन में इसका यूज एनिथीसिया के रूप में किया जाता है। जैसे कोई भी अगर मरीज है, पेशेंट है, और वो उसकी ज़्यादा गंभीर हालत है, उसको का ऑपरेशन होना है, तो ऐसे तो किया नहीं जा सकता उसका ऑपरेशन, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि कांट झाट ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर ऐसे ही चीरफाड़ करेंगे तो मरीज तो वैसे ही मर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे पहले बेहोश करना पड़ता है। तो जो भी एनेस्थीसिया के रूप में इंजेक्शन दिया जाता है वो ईथर्स होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं ईथर का उपयोग एनिथीसिया के रूप में किया जाता है। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इन्हें जिस तरह से हमने
एल्केन, हेलो एल्केनो में पढ़ा था, हेलो एल्केनो को जिस तरह से हमने कैटेगराइज किया था, क्लासिफाइड किया था, ठीक उसी तरह से एल्कोहल्स को भी यहां पर क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले ए नंबर हाइड्रोक्सिल समूहों के आधार पर, इन ग्रुप्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह। दूसरा नंबर है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, संकरण के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूहों के आधार पर अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूहों के आधार पर अल्कोहल्स को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये क्या होते हैं? सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये वे अल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सिर्फ एक होता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स वे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या दो होती है। इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या तीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका इसका एग्जाम्पल देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, जैसे CH3OH, यहां पर केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह है, तब इसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से CH3CH2OH, यहां पर भी एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है, तो यह भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट CH3CH3 और यहां पर OH, यहां पर भी एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है, इन सभी में एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है, तब इस तरह के जो भी अल्कोहल्स होते हैं इन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये इनके एग्जांपल्स में CH2OH CH2OH, यहां पर ये ग्लाइकॉल है, यहां पर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है? दो। तब ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह दो हो, तब ऐसे अल्कोहल्स को हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं CH3CH CH, यहां पर OH, इधर OH, एक दो तीन CH3CH, इसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल समूह इधर लगा है, एक हाइड्रोक्सिल समूह इस वाले कार्बन पर इधर लगा है, तो ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल से। बात करें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसका एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल, जैसे CH2OH CH OH CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, यहां पर हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितनी है? तीन। तब ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह तीन हो, तब ऐसे अल्कोहल्स को हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम फिनॉल के केस में देखें, एरोमेटिक
एल्कोहल्स के केस में देखें तो उन्हें भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में ही डिवाइड करते हैं। इनके भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फिनॉल केवल एक ही समूह है हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये किस तरह का रहेगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो इसमें बेंजीन रिंग में कितने हाइड्रोक्सिल समूह होने चाहिए, कम से कम दो, पास में हो सकते हैं, आर्थो पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर एक पोजीशन छोड़ करके मेटा पोजीशन पर भी हो सकते हैं, या फिर इसके जस्ट सामने वाले पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन पर भी हो सकते हैं। अगर इसी बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 हो जाती है तब इसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यह सिमेट्रिक एल्कोहल है। अगर 3 से ज्यादा एल्कोहल्स हैं यहां पर तब उन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद संकरण के आधार पर, बी पार्ट है इसका, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर इन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मतलब वैसे तो मेन 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो 2 मेन पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है sp3 हाइब्रिड एल्कोहल्स। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिड एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल्स जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि sp3 हाइब्रिड हो, sp3 संकरित हो, तब ऐसे एल्कोहल्स को हम sp3 हाइब्रिड एल्कोहल्स कहते हैं। जब का जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो ऐसे कार्बन परमाणु से अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिड है तब हम उसे sp2 संकरित एल्कोहल कहते हैं। इन्हें फर्दर sp3 हाइब्रिड एल्कोहल्स को दोबारा से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट एल्किल एल्कोहल, नेक्स्ट एलिलिक एल्कोहल, नेक्स्ट बेंजाइलिक एल्कोहल। बात करें sp2 हाइब्रिड एल्कोहल्स की तो इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है विनाइलिक एल्कोहल और नेक्स्ट है वैनिलिक और नेक्स्ट है एरोमेटिक या एरिल एल्कोहल्स, एराइलिक एल्कोहल्स। सबसे पहले एल्किल एल्कोहल्स, ये ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल ग्रुप से अटैच्ड रहता है तब उसे हम एल्किल एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये CH3OH है तो ये मेथिल समूह हो गया, तो ये एल्किल समूह से अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल समूह, तब इसे हम एल्किल एल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से C2H5OH, यहां पर ये एल्कोहल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, ये एथिल समूह से जुड़ा हुआ है, तब इस तरह के एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से अटैच्ड रहते हैं उन्हें हम एल्किल एल्कोहल्स कहते हैं। बात करें अगर एलिलिक एल्कोहल्स तो ये
ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें अल्कोहल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिन जो कि कार्बन इस तरह के कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो कि अब इसका जो पड़ोसी होता है पड़ोसी वाला कार्बन है वो द्विआवंधित होता है। अब देख सकते हैं इस वाले कार्बन का जो नेवर कार्बन एटम है इसका पड़ोसी कार्बन एटम है ये डबल बॉन्डेड होता है। द्विआवंधित कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से अगर अल्कोहल समूह जुड़ा होता है तब इस तरह के अल्कोहल्स को हम एलिलिक अल्कोहल्स कहते हैं। इस जो ऐसा कार्बन परमाणु जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है ऐसे समूह को हम एलिलिक अल्कोहल सॉरी एलिलिक ग्रुप कहते हैं। अगर इससे अल्कोहल समूह अटैच्ड हो गया है तो इसे बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल। बात करें बेंजीलिक अल्कोहल की तो बेंजीलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं बेंजीन बेंजीन में वैसे तो सभी कार्बन परमाणुओं का संकरण sp2 होता है तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिड अल्कोहल्स। तो यहां पर इस वाले किसी कॉर्नर पर तो अल्कोहल समूह अटैच्ड होगा नहीं तो क्या होता है किसी भी कॉर्नर पर कार्बन परमाणु अटैच्ड है इस वाले कार्बन परमाणु से अल्कोहल समूह अगर अटैच्ड होता है तब हम इसे बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो यहां पर इस वाले अगर कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऐसे ही अगर यहां पर भी देखें तो ये इस वाले कार्बन एटम का और इस वाले दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिड है। यहां पर ये तो इनमें तो सभी के सभी हाइड्रो जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकृत ही होते हैं। अब बात करते हैं बाइनिलिक sp2 हाइब्रिड अल्कोहल्स में जिसमें पहला है बाइनिलिक अल्कोहल। क्या होता है इनमें अल्कोहल्स ऐसे कार्बन परमाणु से ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो जैसे बाइनिल समूह या ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH ये वाइनिल समूह होता है इस तरह का। इसमें हम देख सकते हैं जो कार्बन दोनों कार्बन एटम है वो डायरेक्टली किससे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तब अगर ये कोई भी हाइड्रोक्सिल समूह इससे आकर के अटैच्ड होता है तब हम इसे बोलते हैं ये वाइनिलिक अल्कोहल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का CH3CH डबल बॉन्ड CH OH। यहां पर भी जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये इस कार्बन परमाणु से डायरेक्ट अटैच्ड है। अगर ये वाला का हाइड्रोक्सिल समूह यहां पर भी इस वाले कार्बन परमाणु पर भी अटैच्ड होता तब भी ये वाइनिलिक अल्कोहल होता। बात करें एरिलिक अल्कोहल्स तो अगर अल्कोहल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तब उसे हम एरिल अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तब ऐसे जो भी अल्कोहल्स हैं उन्हें हम एरिलिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लासिफिकेशन और अल्कोहल फिनॉल और ईथर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। मैं और नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।